गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के नामांकन के चौथे दिन 5 उम्मीदवारों ने आयुक्त न्यायालय में पहुंचकर 7 सेट में नामांकन किया, जिसके संबंध में अपर आयुक्त प्रशासन अजयकांत सैनी ने बताया कि गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के लिए नामांकन के लिए सोमवार को 2 प्रत्याशियों ने पर्चा लिया है। अभी तक कुल 31 प्रत्याशियों ने पर्चा लिया है, जिसमें से 5 प्रत्याशियों ने 7 सेट में नामांकन किया। उन्होंने बताया कि जो कि 12 जनवरी तक चलेगा और 13 जनवरी को पर्चों की जांच होगी और 16 जनवरी तक नाम वापसी होगा और 30 जनवरी को मतदान होगा व 2 फरवरी को मतगणना होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर आयुक्त प्रशासन अजयकांत सैनी ने कहा, अभी तक जो है हमारे गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के इस प्रक्रिया में जो है 31 लोगों ने नामांकन के फार्म लिए हैं और आज जो है 5 प्रत्याशियों ने अपने जो है नामांकन दिए हैं और इसमें हमारे जो है विपिन बिहारी शुक्ल, अखंड प्रताप सिंह, अविनाश प्रताप, देवेंद्र प्रताप सिंह और जो है सरजू प्रसाद दुबे। हाँ, इसमें जो है विपिन बिहारी शुक्ल और देवेंद्र प्रताप सिंह ने जो है 2-2 नामांकन किए हैं। ये नामांकन अभी 12 तारीख तक होगा और उसके बाद 13 तारीख को जांच होने के बाद जो है 16 तारीख तक नाम वापसी होने के बाद जो है हमारे जो भी प्रत्याशी होंगे जो चुनाव में खड़े होंगे उनके आधार पर चुनाव होगा और 30 जनवरी को ये चुनाव होगा। मतगणना 2 फरवरी 2023 को।